भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हजारीबाग दो दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं। दीपक प्रकाश ने जहां संगठन को मजबूत करने के लिए जगह जगह अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, वहीं हजारीबाग जिले बड़कागांव क्षेत्र से हो रहे कोयला खनन के मामले को भी उन्होंने देखा और कहा कि हजारीबाग झारखंड का हृदय है और आज हृदय पर जो आघात पहुँचाया जा रहा है उसमें सरकार की भूमिका संदिग्ध है। हजारीबाग सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। क्या कुछ उद्देश्य रहा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? विफल सरकार के खिलाफ पांच जन फूकने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है। हर क्षेत्र पर राज्य सरकार विफल हुई है। कानून व्यवस्था, महिलाओं के अनाचार और अत्याचार पर और विकास के स्थिति पर, नियोजन रोजगार के सवाल पर ये सरकार विफल हुई।